वेव के न्यूमेरिकल से आपको एक बार वापस मैं मुखातिब कर रहा हूँ आपके साथ में, वेव के और से वेव के जो न्यूमेरिकल किस टाइप से करना है। तो वेव के अंदर कॉन्सेप्ट है, ए वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग इज द डिस्क्राइब्ड बाय बाय एक्स और टी। इनकी वेव है वो डिस्टेंस और टाइम पर बेस है। ये वैल्यू कुछ दे रखी है, साइन का पैटर्न दे रखा है। कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड को, वेवलेंथ को, पीरियड्स को एंड फ्रीक्वेंसी को। ओके, तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं और स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एक्स टी के अंदर हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस ओमेगा टी प्लस फाई लिखेंगे। फेज डिफरेंस यहाँ दे ही रखा है, इट मीन्स फाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो हमारे पास में इक्वेशन बनती है एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन और के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन से हम उसको फाइंड करेंगे। ओके, अभी हम कंपेयर करते हैं। तो एम्पलीट्यूड पहला निकालना था, एम्पलीट्यूड ये निकल गया। एम्पलीट्यूड है वो 0.005 आपके सामने आ गया, क्योंकि ए किसके इक्वल है, वो एम्पलीट्यूड के इक्वल है। तो आपके पास में एम्पलीट्यूड जो आ गया ये मीटर में आ गया, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास में, क्योंकि डेसिमल आएगा 10^-3 आएगा और 10^-3 मीटर है, तो चाहे आप इसको 5 मिलीमीटर कह सकते हैं। ये फर्स्ट एम्पलीट्यूड आपके निकल गया है। ओके, अब आपके पास में निकालनी है वेवलेंथ। वेवलेंथ से पहले के की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो मैं के की वैल्यू आपके सामने बता देता हूँ कि के की वैल्यू भी आप डिफाइन फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसको हम हटाते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और वैल्यू को डिफाइन करना सिखा रहा हूँ आपको। तो ए की वैल्यू आपके पास में आ गई, कितनी आ गई, ए की वैल्यू 5 मिलीमीटर, के की वैल्यू आपके पास में 80, ये के और यहाँ पर 80 और एक्स है तो के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपके पास में के की वैल्यू जो आ गई पर मीटर्स आ गई। ओके, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपके पास में जो आ गई वो 3 रेडियन पर सेकंड आ रही है, 3 रेडियन कर सकते हैं, 3 जो है पर सेकंड कर सकते हैं, ये वैल्यू आपके पास में आ गई। अब आपको निकालना है वेव लेंथ यानी कि लैम्डा निकालना है, और लैम्डा निकालने के लिए आपके पास में के इज इक्वल टू वैल्यू होती है 2π/λ। वेव के कंसेप्ट में वहाँ पर ऑसिलेशन में क्या था, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर इस टाइप से है। तो लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास में 2π/K पुट कर दिया, 2 और π दे रखा है और 80 दे रखा है। यदि वैल्यू पुट करूँगा आपके पास में 2π/80, ओके, तो लैम्डा की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ये लैम्डा की जो वैल्यू आपके पास में आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 7 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही है, 7.85 सेंटीमीटर, ये आपके पास में आपकी वैल्यू आ गई। ये आपने निकाल दिया वेवलेंथ। अब आपके पास में रहा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का पैटर्न रहा है, तो टाइम पीरियड निकालना है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए या अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलें आगे, अब आपके पास में टाइम पीरियड निकालना है, तो टी इज इक्वल टू 2π, टी इज इक्वल टू 2π/ω लिखेंगे, 2π, और ओमेगा की वैल्यू आपके पास में अभी आपने कंसिडर की थी 3, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। ये इसको डिवाइड करके आंसर निकालना चाहें तो 0.09 पर सेकेंड ये आपके पास में आ गई दूसरी वैल्यू। ओके, इस टाइप से आप इसके वैल्यू निकालेंगे। यदि फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/T, यानी कि वैल्यू पुट करेंगे आपके पास में तो इसको डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आपके पास में आएगी वो आएगी 0.48 हर्ट्स। ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल को मैंने डिफाइन किया है। आप चाहे तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है कि इस इक्वेशन के पैटर्न को लिखने का पैटर्न। तो ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, ए की, के की दे रखी है, ओमेगा की दे रखी है, ये सारी वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू के साथ में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक न्यू न्यूमेरिकल के साथ में है, ए स्टील वायर इज 0.72 मीटर लॉन्ग, हैज ए मास ऑफ, मास वैल्यू है 5×10^-3 kg। इफ द वायर इज अंडर ए टेंशन ऑफ 60 न्यूटन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स ऑन द वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में क्लू क्या होना चाहिए, एक तो मास दे रखा है, मास की वैल्यू 5×10^-3 kg। ओके, सरफेस टेंशन दे रखा है, क्योंकि टेंशन की है तो 60 न्यूटन टेंशन दे रखा है हमारे पास में,
और ये जो है यहाँ पर स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव दे रखा है वायर का, और एल दे रखी है, एल की वैल्यू जो है आपके पास 0.72 मीटर्स है। तो आपके पास में जो वैल्यू फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यदि मैं देखता हूँ, क्योंकि स्पीड निकालनी है तो वी इज इक्वल टू अंडर टी अपॉन म्यू के पैटर्न में आ रहा है, ओके, क्योंकि ट्रांसफर का वेव है। म्यू फाइंड करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, तो म्यू फाइंड करने के लिए आपके पास में मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ का कॉन्सेप्ट है। तो मास आपके पास में 5 × 10⁻³, ये 10⁻³ की वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं, और इसके बाद में आपके पास में जो लेंथ दे रखी है 0.72, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में म्यू की वैल्यू जो आ रही है वो 6.9 × 10⁻³, इस टाइप से आपके पास में आ रही है। ये वैल्यू किलोग्राम पर मीटर है, ओके, ये पर मीटर में आ गई, ये आपके पास में आ गई। सरफेस टेंशन दे रखा है तो आप स्पीड निकाल सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 60 / 6.9 × 10³ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो वेलोसिटी का जो पॉइंट आएगा वो आएगा 93 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपके वेव्स के ऑसिलेशन की न्यूमेरिकल को भी मैंने सॉल्व करके बताया है, 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं। अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।